भाग्य बड़ा बलवान। ये कहानी भाग्य के ऊपर निर्भर करने वाली, भाग्य विश्वास करने वाली एक कन्या की कहानी है, जिसका नाम था मैना सुंदरी। मैना सुंदरी, मैना सुंदरी। भाग से ज्यादा वक्त से पहले कुछ न मिले, भाग से ज्यादा वक्त से पहले कुछ न मिले। मैना, अरे ओ मैना, आई दीदी आई। कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुहू कुहू बोले कोयलिया, फूली आम वृक्ष बल्लरिया, फूली आम वृक्ष बल्लरिया। माँ पिता की हम दो बुलबुल, माँ पिता की हम दो बुलबुल, चहक रही बुलबुल की बगिया, चहक रही बुलबुल की बगिया। कुहु कुहु बोले कोयलिया, कुहु कुहु बोले कोयलिया। बेटी मैना, बेटी सुरसुंदरी, माता हमारी धरती है, वाह, पिता हमारे प्रेम पा, हम दो कलियों पर कर साया, बांट रहे हैं मधुरम प्यार। चंपा और चमेली जैसी, चंपा और चमेली जैसी, हम दो बहना प्यारी बिटिया। चंपा और चमेली जैसी, हम दो प्यारी आपकी बिटिया। हे पिताजी, हे पिताजी आई हम तो, हे पिताजी आए हम तो, दो हमें अब क्या है आज्ञा। पुत्री आओ मेरे पास आओ, आज मैं तुम्हें अपने सिंहासन के निकट बैठा करके तुमसे एक बात पूछता हूं। आगे तो पिताश्री, आओ बेटी। जानती हो बेटी मैना जी, बाबा, बेटी सुरसुंदरी जी, बाबा, हमने तुम्हें क्यों बुलाया है? हमेशा प्यार और दुलार, हम दोनों प्यारी बेटी आपकी, हमें प्यार का आशीर्वाद देने। तुमने भी बिल्कुल ठीक कहा बेटी। सुरसुंदरी, हम तुमसे, मैना सुंदरी, हम तुमसे दोनों से प्रश्न करते हैं, क्या तुम हमें हमारे मन इच्छा का उत्तर दोगी? आगे कीजिए पिताश्री। सुरसुंदरी जी, बाबा, जब बेटी विवाह के योग्य हो जाती है, जब पुत्री सियानी हो जाती है, तो पिता माता दोनों की रात्रि की नींद उड़ जाती है। और हम तो ऐसे माता पिता हैं
जिनकी दो दो बेटियां दोनों विवाह के योग्य हो गई हैं, हमने अपने सभी मंत्रीगणों को इस समय एकांत कर अलग भेज दिया है, भरे दरबार में तुम्हें बुलाया है। पहले हम सुरसुंदरी तुमसे पूछते हैं, बताओ प्यारी बेटी, तुम्हारे मन में अगर कोई पिता से शर्माना मत, अगर तुम्हारे मन में कोई तुम्हारे मन की इच्छा हो तो सुरसुंदरी हमें बताना, हम तुम्हारे मन की इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे। पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है। ना बेटी, हमने दो गुरुओं से तुम अपनी बिटिया को, अपनी दोनों बेटियों को शिक्षा दिलाई है। पुत्री, हम चाहते हैं कि तुम हमें उपयुक्त उत्तर दोगी। बताओ बेटी। बाबा, मैं तो इतना जानती हूँ, विद्या यौवन रूप धन और पति का नेह, बाबा पुण्यों से मिले मन मांचित सुख ले। वाह वाह पुत्री, तुम्हारा उत्तर सुनकर मैं तुम्हारे मन की भावना जान गया, फिर भी तुम ये बताओ तुम्हारे मन की कोई बात। बाबा आपने जब पूछा है तो बता रही हूं, कौशंबीपुर के नरेश, उनके पुत्र अरिदमन। वाह बेटी वाह, मैं आज ही संदेशा भिजवाता हूं मेरी सुरसुंदरी के लिए, उससे उपयुक्त और अच्छा वर कौन हो सकता है। बहुत अच्छा। अब बेटी मैना तुम बताओ, मैं राजा प्रजापाल बहुपाल, बोले बेटी तुम बताओ तुम्हारे मन में भी कोई बात है तो मैं उसे भी संपूर्ण करूंगा। मैंने तुम दोनों को अपनी दो आंखों की तरह पाला है, एक बाईं तो एक दाईं आंख। बोलो बेटी, बोलो बेटी, तुम भी बोलो अपने दिल का हाल, तेरे मन में कौन सा जीवन प्रेम प्रवाल, जहां तुम कहोगी वहीं तेरी होगी बिटिया सगाई, तेरी मेरी प्यारी प्यारी लाडो, बोल संकोच तक बात जो तेरे मन में आई। बाबा क्षमा करना, बोल बोल, हमारा धर्म हमारी संस्कृति रीति और रिवाज पिताश्री इस बात की आज्ञा नहीं देती कि माता पिता के रहते कोई बेटी अपने पति का स्वयं निर्वाचन करे। मैं कुछ समझा नहीं बेटी। बाबा ऐसी विवाह सफल होने की संभावनाओं से बहुत निकट होती है, नहीं है? अक्सर देखा गया है कि यौवन अवस्था में उचित निर्णय नहीं लिया जा सकता। जितना अनुभव माता पिता को होता है उतना मुझे कहां होने लगा। मैं तो ये जानू, जहां माता पिता वचन जिसको भी देंगे और भाग्य का चयन करेंगे, पति का चयन करेंगे, वहीं कन्या के लिए सुख है। वाह बेटी, तेरी बात सुनकर मन खुश हुआ, पर फिर भी तेरे मन के अंदर कोई बात हो तो बोल। नहीं बाबा, भाग्य साथी है, जो भी भाग्य में होगा वही होगा। क्षमा करें पिताजी, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। जीव अपने कर्म अनुसार भाग्य को बनाता और भाग्य बलवान होता है, भाग्य से सब कुछ होता है। क्या मेरा भाग्य होगा और उस भाग्य को जिस प्रकार भी आप बनाएंगे, बना देंगे, संजो देंगे, वही मैं आपकी हाँ में हाँ करूंगी। अरे बेटी बातें बड़ी ना कर, हम तेरे पिता हैं, पिता के सामने अधिक धर्म की व्याख्या ना कर। पिताजी जैसी शिक्षा बेटी बेटे को मिलती है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है,
इसका मतलब है सुर सुंदरी ने शिक्षा गलत पढ़ाई है और तूने शुद्ध शिक्षा। मैंने अपने जिन गुरु जैन धर्म के गुरुओं से शिक्षा पाई है तो इसने भी किसी कम गुरु से तो शिक्षा नहीं पाई। अपनी अपनी बात है पिताजी, मैं जिस गुरु ने मुझे शिक्षा दी है उन्होंने यही कहा है कि कर्म अनुसार भाग्य बनते हैं और भाग्य से जीवन चलता है। कोई किसी का न साथी है, न कोई किसी के साथ आता है, न कोई किसी के साथ जाता है। बेटी तू इस राज्य में रहती है? हाँ। किसके राज्य में रहती है? राजा पहुपाल के, अपने पिता के महलों का रहन सहन, राजसी वस्त्र आभूषण, भोजन पेट क्षुदाभरण हमारे द्वारा प्रदीत है तुझे, तो इसलिए तेरा भाग्य बनाने वाले हम, तेरा भाग्य बिगाड़ने वाले हम, आज तुझे जो भी कुछ देते हैं हम देते हैं ना? नहीं पिताजी, आप देने वाले कौन हैं? भाग्य अच्छा है तो आप भी राजा हो गए, अगर भाग्य विपरीत होता तो आप भी कहीं रंग होते। क्या कह रही है? हमें रंग बता रही है। अपने पिता को जिसने तुझे पाला पूछा उसे तो रंग बता रही है। इसका मतलब है तेरा बाप कुछ नहीं है। पिताजी क्षमा करें, पिताजी भाग्य के से बढ़कर कोई नहीं है। पिता भी भाग्य को बनाने वाला नहीं है, माता भी भाग्य को बनाने वाली नहीं है। जो भी कुछ है जीव का अपना भाग्य होता है और उसी भाग्य से उसे सब कुछ प्राप्त होता है। इतनी बढ़कर बोलती है तू, हम तुझे खाना देते हैं? नहीं पिताजी, मेरा भाग्य देता है। हम तुझे रहन सहन देते हैं? नहीं पिताजी, मेरा भाग्य देता है। हम तुझे इस राज सिखा देते हैं? नहीं पिताजी, मेरा भाग्य देता है। तूने तूने हमारा अपमान किया है बेटी। मैना मेरी बेटी होकर तूने मेरा अपमान किया, मेरा अपमान कर डाला। नागन मर गई, दूर हो जा मेरी नजर से, दूर हो जा इसी समय, निकल जा। पिताजी आप बहन के साथ ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तू देख रही है तेरी बहन ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया? तूने देखा तेरी बहन ने हमारा कितना अपमान किया सुर सुंदरी? तू उसकी हिमायत दे रही है, उसके भाग्य को मैं चमकाऊंगा, मैं चमकाऊंगा, मैं देखूंगा वो भाग्य का खाती है या मेरा खाती है, मैं देखूंगा कि वो मेरे द्वारा रहती है या भाग्य के द्वारा रहती है। बाबा बात को इतनी ना बढ़ाओ, वो आपकी आपकी बेटी है बाबा। मंत्री मंत्री वर जी, प्रभु अश्व तैयार करो, आज हमारा मन उद्वेलित है। बाबा बेटी को क्षमा कीजिए, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी बहन को क्षमा कर दीजिए। अपनी बहन को समझा कर ला, मुझसे माफी मांगे, मुझसे क्षमा मांगे और मुझसे बारंबार ये कहे, बार बार मेरे सामने हाथ जोड़कर बोले, पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ, पिताजी आप जो देते हैं वही मुझे मिलता है, पिताजी ये सब कुछ आपकी वजह से है। अगर उसने ये कहा तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा, अगर वो ना मानी तो सुर सुंदरी राजहट राजहट होती है। तीन प्रकार की हट होती है। बाल हट, बच्चे को बहकाया जा सकता है खिलौने देकर। तिरिया हट, वो उसने दिखाई है जो तेरी बहन ने किया है। और तीसरी हट होती है राजा की हट। राजा अपनी हट दिखाएंगे, अवश्य दिखाएंगे। समझा उसे, जा जा रही हूँ बाबा, समझा रही हूँ, समझा रही हूँ बाबा, समझा रही हूँ। मंत्रीवर जी, प्रभु अश्व तैयार कीजिए, हमारा घोड़ा तैयार कीजिए, हम अभी चलेंगे। इसमें मन उद्वेलित है, हमारी बेटी ने हमारा अपमान किया, मन उद्वेलित है, मन उद्वेलित है, मन उद्वेलित है। अश्व पर हुए सवार राजा और मंत्री करने चले विहार।
राजा निजी यश पर बैठ कर चल पड़े, मन में बेचैन थे और थे क्रोध में। राजा निज अश्व पर बैठ कर चल दिए, मन में बेचैन है और है क्रोध में। मेरी बेटी नहीं मेरी दुश्मन है ये, मेरी बेटी नहीं मेरी दुश्मन है ये। मन में बदले की भावना है रोष में, मेरी बेटी नहीं है ये, इसे मैं देखूंगा, चल मेरे आशु चल। सामने जो पड़ी यक बयक वो नजर, सामने जो पड़ी यक बयक वो नजर। घोड़े की एकदम से खुज गई रास है, घोड़े की एकदम से रास खुद खिंच गई। देखा उद्यान में एक टोली खड़ी, देखा उद्यान में एक टोली खड़ी। कोड़ी कुश्ती की हो कोड़ी कुश्ती की पंक्ति थी जिसमें बड़ी, राजमंत्री ये प्रभु ये हमारा उद्यान कोड़ी कुश्ती को डेरा कब से बन गया प्रभु? ये तो मुझे भी पता नहीं। हमारी अवंती नगरी में, हमारी उज्जैनी नगरी में न जाने ये, इनसे पूछो, जाओ मंत्री इनसे पूछो। ए भाई कौन हो तुम? नहीं नहीं, कहाँ के रहने वाले हो? ना यहाँ के ना वहां के, हमारा कोई नहीं जी। चलते चलते उज्जैनी अवंती नगरी में हम आ गए। हमें पता नहीं था कि सूर्य ये छिप जाएगा। रात हो गई, शाम के झुंपड़े में अगर आगे जंगल में जाते तो कोई हिंसक जीव जंतु हमें खा जाता। हम ऐसे ही भागे के मारे हैं। हम सब के सब कुश्ती कोड़ी हैं, 500 है 500 कुश्ती कोड़ी। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? राजा के का विचार बिल्कुल सही निकला, निकलो यहाँ से। नहीं, रात में अगर हम बाहर जाएंगे जंगल में तो हमें जीव जंतु खा जाएंगे। तू है कौन, क्या नाम है तेरा? नाम मेरा नाम श्रीपाल है। श्रीपाल? अपना चेहरा दिखा। नहीं, अपना मुखड़ा दिखा। नहीं, क्यों नहीं दिखाता? आफत का मारा, जिंदगी का मारा, किस्मत का मारा हूं मैं। मुझ पे कैसा टूटा है कहर। कभी हम भी किसी नगरी के थे, बहुत बड़े राजा राजकुमार। आज किस्मत में दिखलाया, आसमान से नीचे गिराया। ये कोड़ का रोग मुझे क्या लगा, मेरी सारी नगरी में लगा। 500 सैनिक रातों रात हम कुश्ती बीमारी से ग्रस्त हो गए। अरे अच्छा, सुबह होते ही चले जाना जी। चले जाएंगे,
प्रभु राजा जी क्या बात है जी प्रभु वो हाँ हाँ वो भी कोई राजकुमार है हैं मगर 500 सैनिक एक साथ एक ही रात में कोड़ के बीमार हो गए अपने नगर से भटकते हुए फिर रहे हैं शाम हो गई तो जंगल में कोई जीव जंतु न खा जाए इसलिए अवंती के राज उद्यान में आकर सर छुपाया है सुबह होते चले जाएंगे सुबह होते चले जाएंगे मेरे मन में दया हुई तो मैंने उनसे कह दिया भाई चले जाना क्या बोला तुमने जी वो 500 कुश्ती है ओ तूने एक बात और बोली ना राजा जी हाँ राजकुमार है कहीं कहीं सामने छठो मैं देखता हूं खुद हे कौन हो तुम मैं यहाँ का राजा अवंती नगरी का राजा हमसे दूर हो जाइए हम तो अपने आप ही मरे हुए हैं ये बीमारी हमारे आपको आपको छू न जाए हमारी छाया भी आप पर न पड़ जाए हमसे दूर रहिए आप दूर रहिए हटो खड़ा हो खड़ा हो खड़ा खड़ा हो मेरे साथ आ मेरे साथ आ नहीं आ मेरे साथ तू ऐसे नहीं आएगा मैं हाथ इधर आ कहां का राजकुमार है तू जी कहां का राजकुमार है अब तो कहीं का भी नहीं कौन सी नगरी का कौन सी नगरी का है ये भी तू बीमार कैसे हुआ रातों रात मेरी नगरी में ये बीमारी फैली और हम मेरे 500 वीर सैनिक सबके सब कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए ओ अब समझा महामंत्री जी प्रभु मेरी बेटी ने भाभी की बात कही थी ना इसीलिए कर मेरे साथ चलो कहा प्रभु मेरे दरबार में आओ मेरे साथ चलो तुरंत आ मेरे साथ महामंत्री मैना सुंदरी को तुरंत बुलाओ मैना सुंदरी को तुरंत बुलाओ दरबार से तनिक बाहर निकला तो तू दिखाई दिया मैना सुंदरी को तुरंत बुलाओ अब मुझे इधर आ अगर मैं आज की रात में तेरा भाग पलट दूं तो मेरा भाग कौन पलटेगा अगर आज मैं तेरा मुकद्दर संवार दूं तो नहीं नहीं अगर आज मैं तेरा विवाह करा दूं तो नहीं नहीं क्यों मजाक कर रहे हैं आप हमसे हम सुबह ही चले जाएंगे आपके नगर छोड़कर आपके नगर में नहीं रहेंगे जी मैं पाँव पड़ता हूँ आपके हम चले जाएंगे मेरे मेरे साथी सब चले जाएंगे हम सब चले जाएंगे बाबा आपने मुझे बुलाया हाँ बुलाया बेटी मैना सुंदरी जी बाबा तू अपने भाग्य का खाती है चुपची हो गई बाबा तू अपने भाग्य से सोती है अपने भाग्य से पहनती है अपने भाग्य से राजकुमारी बनी है सब कुछ तेरे भाग्य से है ना तेरा तो पिता कुछ भी नहीं है ना बाबा छोटी मुंह और बड़ी बात हो जाएगी बाबा मैं आपकी बेटी हूं आपके सामने बोलने का अधिकार मुझे नहीं है मगर सच्चे सच्चे होता है सच्चे कड़वा होता है बाबा और सत्य को छुपाया नहीं जा सकता बाबा वास्तविकता यही है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूं फिर वही बात ठीक है ठीक है बेटी मैना सुंदरी ठीक है घमंडी लड़की
अब भी सोच ले, भाग्य बड़ा है कि हम भाग्य पिताजी, भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं, भाग्य बिना कछु नर नहीं पावत। अच्छा जानती है हम तेरा कितना बड़ा भाग्य बनाने वाले हैं। जो मेरे भाग्य में होगा, अगर मेरा भाग्य बड़ा बनना होगा तो बड़ा बनेगा, छोटा बनना होगा तो छोटा बनेगा। बातों बातों की बतंगड़ बना ली तूने। देख देख, हम तेरा हम अपना फर्ज पूरा करने जा रहे हैं, हम कन्यादान करने जा रहे हैं। एक पिता का फर्ज होता है कि अपनी बेटी का कन्यादान करे। आज हम तेरा विवाह करने जा रहे हैं। जैसी आपकी इच्छा, ये आपका अधिकार है, इस अधिकार से आपको कोई रोक नहीं सकता। आज अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे हम, आज अब इसी समय। देख देख, ये आपकी इच्छा है। जानती है किससे करेंगे विवाह तेरा? मैं क्या जानूं, ये मेरा भाग्य जाने। ओ भाग भाग भाग, इस भाग ने हमारा मस्तिष्क खराब कर दिया। भाग नहीं, तेरी शादी, तेरा विवाह तेरे भाग्य से कर रहे हैं। ये जो बराबर में देख, मेरे कुश्ती कोड़ी खड़ा है, मैं ये नहीं कि अपनी बिरादरी से नीचे करूंगा, मैं ये नहीं कि राजकुमार से नीचे करूंगा, मैं ये नहीं कि राजा किसी राजा से नहीं, किसी ऐसे उच्च कुल के बेटे से नहीं, ये राजकुमार है। मगर कुश्ती कोड़ी, इस कोड़ी के साथ तेरी शादी करूंगा मैं, इस कोड़ी के साथ। देख तेरा भाग कैसे जमेगा, देखा तूने कैसे जमेगा, बोल कैसे। बाबा बार बार क्यों, बार बार क्यों करते हैं बाबा, भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं। मंत्री खड़ा खड़ा क्या दिखता है, तुरंत दो वरमाला ला, मंत्री वरमाला ला, भाग्य में देखूंगा, भाग्य भाग्य भाग्य। ओ कोड़ी कुश्ती, तेरा नाम क्या है? कैसी कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? मैं आपके चरणों में शीश रखता हूँ राजा, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मुझे गलती हो गई, मैं अंतिम नगरी में आ गया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चला जाऊंगा सुबह ही, मुझे इतना बड़ा खेल मत कीजिए, ये आपकी बेटी है फूल सिंह कुमारी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ओ भाइयो, अरे आओ राजा के पांव पर जाओ, राजा क्षमा कर दे। राजा जी क्षमा कर दीजिए, राजा जी हम चले जाएंगे सुबह ही, चले जाएंगे हम सुबह ही, चले जाएंगे राजा, सच कहते हैं हम सुबह ही चले। अरे पगलो, मैं तुम्हारा मुकद्दर संवार रहा हूं, मैं तुम्हें दर दर भटकने से बजाय माला माल करने जा रहा हूं, और तुम मेरे पैरों में पड़े हुए गिड़गिड़ा रहे हो, हमें माफ कर दो। समुद्र के किनारे पर आकर प्यासा ये कहे कि पानी नहीं पीना चाहता, कुआं तुम्हारे पास खुद आया है और तुम कुएं को छोड़कर बिना प्यास पानी पी जाना चाहते हो, तुमसे बुद्धिहीन कोई और होगा। नहीं नहीं राजा जी, हमारे भैया से गलती हो गई, हम यहाँ गए राजा जी, हमें चले, हमारा अमर राजा, हमारा श्रीपाल राजा, हमें हमें जाने दीजिए, जाने दीजिए। ऐसे नहीं जाएगा, जो आ गया अवंती में वो अवंती के राजा की आज्ञा के बिना इधर से उधर नहीं लेगा। मंत्रीवर, हमारी बेटी के हाथ में वरमाला दो। बड़ी उत्सुक है तेरा भाग्य बनने में, माला भी इतनी जल्दी पकड़ ली तूने। बाबा मेरा भाग्य, जो भी कुछ मुझसे कराएगा मैं करूंगी। तो देख तेरा भाग्य क्या करा रहा है, ये बराबर में खड़ा हो जा सामने, आ जा, इसके गले में वरमाला डाल, इस कुश्ती के गले में वरमाला डाल, इस कोड़ी को अपना पति बना। आपकी आज्ञा है बाबा? अवश्य।
बेटी के लिए पिता की आज्ञा जरूरी है। मेरी आज्ञा है एक बार नहीं हजार बार कि मेरी गाड़ी भाग चमकाने जा रही है। अपने पिता को तुच्छ समझकर जा, डाल इसके गले में माला डाल, अरे डाल तुझे डाल, माला डाल, माला डाल, माला डाल, माला डाल, माला डाल। तेरा विवाह हो गया। अरे ओ कोड़ियों की टोली, अरे कुश्तियों की टोली, ले जाओ इस पत्नी को अपनी, इसके भाग्य को देखो, ये भाग्य तुम्हारा बनाती है या ये भाग्य अपना डुबाती है। चलो मंत्रीवर, चलो मंत्रीवर, मंत्री जी चलो भाग बना, बना मैना सुंदरी अपना भाग बना, बना मैना सुंदरी। आज से इस दरबार के, आज से इस राज्य के, आज से इस घर के, आज से इस महल के, इसके सभी द्वार तेरे लिए बंद कर दिए मैंने। निकल जाओ यहाँ से, जाओ, चलो मंत्री निकल जाओ, जाओ। मैंने कितने नाजो से पाला था इसे, मैंने कितने प्यार से पाला था इसे, इसने अपनी जिद में अपने बाप की बेइज्जती करके इसने मेरे सीने पे लात मारी, मेरी ममता पे लात मारी, मेरा दिल तोड़ दिया इसने, मेरा दिल तोड़ दिया। चल मंत्री चल। भैया कहाँ जाए, भैया कहाँ जाए, चलो भैया, मुकद्दर से बढ़के कोई बात नहीं होती, भाग्य से बढ़के। चलो सास ससुरों, हमारे भैया की शादी हुई है, देखो मुकद्दर की बात है, कुश्ती हो गया तो क्या है, तो राजकुमारी ना। हाँ भैया, भाभी ना डोली है ना कहा, भाभी हम गरीबन लोग हैं, बस इसी को डोली समझना और हमें कहार समझना। हम 500 के 500 तुम्हारे दास हैं, तुम्हारे चरणों में शीश रख के भाभी डोली की कल्पना करके हम तुम्हें अपने साथ ले चल रहे हैं। चलो भैया, अरे भाभी हमारे अंगना आई है भाभी, मन ही मन हम मुस्काए, तन से दुखी पर मन से सुखी, तन से दुखी पर मन से सुखी, मनवा कहे एक आंख कहे रो लूं और दूसरी कहे गीतवा गाए। हो डोली चढ़ के, हो डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के, हो डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। खुद पिता ने पति दे दिया कौड़ी, खुद पिता ने पति दे दिया कौड़ी, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के, ओ डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। ये सुकोमल कली नाजुकी पाली, ये सुकोमल कली नाजुकी पाली, आज तकदीर अजमाने बन बन चली, ये सुकोमल कली
नाजों की पाली आज तकदीर अजमाने बन बन चली रोती माता रही रोते मंत्री रहे रोती माता रही रोते मंत्री रहे रोती सारी की सारी ही नगरी रही डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली डोली चढ़ के खुद पिता ने पति दे दिया कोड़ी डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली डोली चढ़ के राजा हट्टी हट्टी लेने हट वो करी राजा हट्टी हट्टी लेने हट वो करी विदा होते ही उसकी बिया के भरी विदा होते ही उसकी बिया के भरी डोली आई ये आखिर तो सुनसान में डोली आई ये आखिर तो सुनसान में बीच जंगल में चल कर बयाबान में डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली डोली चढ़ के और डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली डोली चढ़ के खुद पिता ने पति दे दिया कोड़ी डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली डोली चढ़ के डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली डोली चढ़ के डोली चढ़ के हमने भी डोली कैसी बना दी रे भैया डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली डोली चढ़ के कमंडल हम कहाँ गए भाई अवंती से निकल गए तेरी शादी हो गई श्रीपाल जंगल है रात अभी खत्म नहीं हो रही है ये सामने पर्वत की तलहटी है ये सामने छोटी सी कंदरा है इसमें तू चला जा बैठ जा पत्नी है तेरे साथ ज्यादा लंबे जा नहीं सकते हम लोग सब बाहर बैठे हैं हम सुरक्षा करेंगे भाई चलो भाई बैठो रे चलो हम पीछे उधर पर्वत के पीछे वृक्षों के नीचे जाएंगे हाँ चलो स्वामी स्वामी आपके चरण वहां मेरा शीश ना 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 नहीं दूर दूर जा मुझसे दूर हो जा मेरे पास होता ना नहीं नहीं क्यों ना हूं आपके पास मैं तो आपकी धर्म पत्नी है तू महलों की राजकुमारी है और मैं धूल दूसरी भिखारी लंगड़ा कुबड़ा कुश्ती मुझे दूर रहे तू चंद्रमा और मैं कम कर्मों का मारा हुआ ग्रहण लगा ग्रहण ग्रहण मैं तो चंद्रमा की चांदनी बनकर आई हूं मैं पति बिना ऐसी जैसे प्राण बिना वायु जल बिना मछली और आप बिना पुत्री तू राजकुमारी है महलों की तेरे पिता ने तेरे साथ अन्याय किया है अब मैं अवंती उज्जैनी से किसी वहां से बाहर आ गए हम लोग तू
तू मुझसे एक रात की बात है, केवल दो तीन चार घंटे की बात है, जैसे ही प्रभाती होगी तू चली जाना, मैं तुझे मुक्त करता हूँ, मैं तुझे मुक्त, तू घोड़ियों के पास रह के बर्बाद हो जाएगी, नहीं नहीं मैं तुझे मुक्त करता हूँ, मैं तुझे हर तरीके से स्वतंत्र करता हूँ, मैना सुंदरी जा, तू मैना है और मैं तू गिरा हुआ। कैसी बातें करते हैं आप, मैं राजकुमारी थी अब नहीं हूँ, अब केवल मैं आपकी पत्नी हूँ, चाहे आप कुछ भी हूँ, मैं कुश्ती हूँ तो मैं भी आपके चरणों की धूली हूँ, मैं कोड़ी हूँ तो मैं भी आपके चरणों के चरणों में पड़ी हुई जीवन गुजार दूंगी। कब तक मेरी साधकों को भेजेगी तू, कब तक? तुम भी कभी राजा थे, सिंहासन पर बैठते थे, कभी वहां के तुम भी आदेश चलाते थे, तुम भी एक सुंदर रूप लिए हुए थे, मगर पता नहीं होता भाग्य का, पता नहीं होता वक्त का, रात को सोने वाला इंसान कब उसके लला समाप्त हो जाए, कब वो निकल जाए, कब उसके ऊपर क्या बिपता आ जाए। सुख और दुख साथी है, सुख और दुख भाई भाई है, अगर सुख आता है तो दुख आता है, और जब दुख आता है तो फिर सुख अवश्य आता है। ना मुझे इतनी बात बता कि अपने बात में ना बसा, मैं तेरे भले की बात कर रहा हूँ, तू चली जा यहाँ से, चली जा मैना चली जा, अपने जीवन को बर्बाद न कर, इतने सुंदर शरीर का भी नाश ना कर, चली जा। मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ, पति चरण मेरे जीवन है, पति सेवा मेरा धर्म है, मैं जानती हूं जिस गुरु ने मुझे बताया, जैन गुरु थे मेरे तो उन्होंने बताया, सती सीता ने नारी धर्म का सम्मान पाया था, दुलारी द्रौपदी ने भी इस मन में बिठाया था, अनेकों कष्ट झेली किंतु छोड़ा था ना इसको, इसीलिए अंजना के भाग्य को ऊपर उठाया था। आप ठीक हो जाएंगे? नहीं, मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरी माँ ने बड़े उपचार कराए थे, मेरा उपचार कराते कराते वो स्वयं कुष्ठ हो गई, मेरा उपचार कराता मेरा भाई कुष्ठ हो गया। अब तू मेरे पास आई है, तू भी ऐसे हो जाएगी, चली जा मुझसे दूर, चली जा मैं तुझसे कह रहा हूं, दूर चली जा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता स्वामी, नहीं हो सकता। तू कहां दर दर भटकेगी, कहां मेरे साथ धक्के खाएगी? सुने स्वामी, एक औषध है। क्या? तुम ठीक हो जाओगे। कैसी औषध? मन की शांति के लिए आत्मबल जगाओ, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करो, और तुम्हारे इष्ट तुम्हारे मन के देवता कौन है, उन्हें मन से बोलो। अरिहंत भगवान, उन्हीं को ध्याता रहा मैं, जिनेंद्र जिनेंदा के चरणों में ध्यान लगाता रहा मैं, नित्य प्रति मैंने अपने नगर में चारों दिशाओं में चार मंदिर बनवाए, 2400 दिन राज, भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर, भगवान अजितनाथ, मुनि सुव्रत, धर्मनाथ, सुबदीनाथ, सुमतीनाथ, नेमीनाथ, पारसनाथ, शांतिनाथ, सभी भगवानों के 24 जिन राज की मूर्तियां स्थापित की, कितने पंच कल्याण कराए, पर मुझे कुष्ठ होला ना मैं हो गया, मेरे भगवानों ने मेरे लिए क्या किया, क्या ये धर्म का नतीजा यही होता है? ना स्वामी, भगवान परीक्षा लेते हैं, मन में विश्वास जगाओ और मेरे कंधे पर हाथ रखो, जिन मंदिर ले जाऊंगी तुम्हें, यहाँ नहीं पूरे भारत के जितने भी जनाले हैं सब में मैं तुम्हें यात्रा कराऊंगी,
और यात्रा कराकर हर जिनेन्द्र अरिहंत भगवान के सामने गिड़गिड़ा कर कि मेरे कर्म काट दो प्रभु, मेरा भाग्य जगा दो, आप तो भाग्य बनाने वाले, आप तो भाग्य बनाने वाले। अरे नहीं बनेंगे भाग्य, नहीं बने। आओ तो मेरे साथ, उठो आओ, आओ मेरे साथ चलो देव दर्शन को, देव दर्शन से सब कष्ट मिट जाएंगे प्रभु, सब कष्ट मिट जाएंगे। अपने पति के कष्ट मिटाने सती चली, अरिहंत तीर्थ वंदना में मन की लौ लगी, हाँ मन की लौ लगी। अपने पति के कष्ट मिटाने सती चली, अरिहंत तीर्थ वंदना में मन की लौ लगी, मन की लौ लगी। गिरनार पे नेमी की करी आंख वंदना, मेरे स्वामी के जीवन में यहाँ होगा चांदना, मेरे स्वामी के जीवन में यहाँ होगा चांदना। सोनागिरी में चंद्र प्रभु प्रार्थना करी, अरिहंत तीर्थ वंदना में मन की लौ लगी, हाँ मन की लौ लगी। जाकर अयोध्या तीर्थ की माटी को कर मिले, अपने पति के माथे पर इसने तिलक किए। कैलाश मोक्ष धाम पे जाऊंगी प्रभु जी, कैलाश मोक्ष धाम पे जाऊंगी प्रभु जी। अरिहंत तीर्थ वंदना में मन की लौ लगी, हाँ मन की लौ लगी। पावापुरी हस्तिनापुरी और आई शिखर जी, सब तीर्थ वंदनों को करके मन में निश्चय धरी। मैं सिद्ध चक्र विधान का, मैं सिद्ध चक्र विधान करूं ये मन में धारणा धरी। अरिहंत प्रभु सामने फिर विनती ये करी, हे जिनेन्द्र देव देवा शरण तेरी छोड़कर जाऊं मैं आपकी तरह। तीर्थों में मुनिराज मिले, उन्होंने बताया मैं सिद्ध चक्र का विधान करूं तभी मेरे पति ठीक होंगे, तभी मेरे सिद्ध चक्र का विधान कर रही हूं। हे स्वामी, हे प्रभु, विस्तारक मंत्र स्थापित किया है मैंने, सिद्ध चक्र विधान सफल हो मेरा, सिद्ध चक्र विधान सफल हो मेरा। जय जिनेन्द्र देवाय नमः, जय जिनेन्द्र देवाय नमः, जय अरिहंताय नमः। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सर्वसाहुणम। सिद्ध चक्र विधान तेरे चरणों में बारंबार नमन। ओम सत्याजाताय स्वाहा, अरह जाताय स्वाहा, षष्ठकर्मणि स्वाहा, ग्रामपत्तये स्वाहा, अनादिक्षेत्राय स्वाहा।
सनात काय स्वाहा श्रावकाय स्वाहा देव ब्रह्माय स्वाहा सुब्रह्माय स्वाहा अनुपमाय स्वाहा सम्यक दृष्टि निधिपति वै शर्वणाय स्वाहा 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 जलधारा देकर अरिहंत प्रभु तुम्हें करूं प्रणाम सिद्ध करो मेरी मनोकामना ऐ सिद्ध चक्र के विधान नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमो गंधोदक अरिहंत प्रभु का नाम लेकर तुम सब पर छिड़कती हो लो उससे पहले मंत्र जपो नवकार मनवा मंत्र जपो नवकार मंत्र जपो नवकार मनवा मंत्र जपो नवकार पांच पदों पे तीस अक्षर का ये सुख का आधार मनवा मंत्र जपो नवकार मनवा मंत्र जपो नवकार मैना ने विधान रचाया मैना विधान रचाया नवकार परम पद पाया नवकार परम पद पाया कि मैना रानी धन्य हो गई कि मैना रानी धन्य हो गई नमो अरिहंताणं पहला गंधोदक अरिहंता ये रहा पहला गंधोदक नमो सिद्धाणम नमो आयिर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वदा अरे देखो अरे अरे मैं श्रीपाल और सात सृष्टि गंदो नम के लगती श्रीपाल और सात सृष्टि गंदो दक के लगते ही एक दूजे को देख रहे कैसी माया ये हो गई हुई सोनी चीजें सी काया कुष्ठ रोग को पल में भगाया ये सुंदर हुआ है तरी ये सुंदर हुआ है शरी पाप कर्मों का मिटा गई मैं बिल्कुल ठीक हो गया मैं बिल्कुल ठीक हो गया मैं हाँ
अरे मेरे साथी सभी साथी सबके सब ठीक सबके मैं ना तुझ जैसी पत्नी अगर सभी को मिल जाए तो सबका मुकद्दर सर जाए बन जाए रही मैं ना वास्तव में तेरे द्वारा मेरा उद्धार हो गया। कैसी व्यक्ति कर रहे हैं स्वामी? मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, मैं तो आपके चरणों में हूँ, अपने चरणों में जगा दो, सेवक का अवसर बना रहे, अपने मुख से ही की बात बोलते रहो। क्या सगीर मिलकर बोलो? क्या भाभी क्या क्या? मंत्री जपो नव कार्य मनवा, मंत्री जपो नव कार्य मनवा, मंत्री जपो नव कार्य। पांच पदों पे तीस अक्षर का ये जीवन आधार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सुदेशाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सुदेशाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सुदेशाहुणम। मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। पांच पदों पे तीस अक्षर का ये जीवन आधार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सुदेशाहुणम। बोलो नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सुदेशाहुणम।